सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में 450 करोड़ रुपए से बनने वाली राजमाता बजिया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास किया है। मंत्रोच्चार के बीच शाह ने हवन कुंड में आहुति दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। खास बात इसमें यह है कि यह एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने व्यापार मेला ग्राउंड पहुंचे, यहां होने वाले आयोजित सभा और हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल से भी बड़ा होगा। इसका विस्तार 30,000 वर्ग फीट से बढ़कर 2,00,000 वर्ग फीट में होने जा रहा है।